ये बयान बहुत हिट हुआ था और हिट भी हुआ था जबरदस्त तरीके से। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और ये तारीख थी 18 अगस्त के आसपास का, अगस्त का महीना था और वक्त था शायद 2015 का और एक राज्य का चुनाव हो रहा था। रेवड़ी कल्चर क्या होता है मैं बताता हूं आपको आज, और देश को समझना चाहिए रेवड़ी कल्चर क्या होता है और रेवड़ी कल्चर का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में एक बयान पर चलते हैं। 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो, 1,25,000 करोड़ रुपये का पैकेज देगी, 1,25,000 करोड़ रुपया। त्यागी जी कुछ याद आया, 50 दूं, 60 दूं, 70 दूं, 75 दूं, 80 दूं, 90 दूं, कितने दूं? ये रेवड़ी नहीं है चावला भाई, इसमें देख चावला भाई, इसमें देखने वाला विषय क्या है? केंद्र सरकार एक राज्य सरकार को, व्यक्ति विशेष को तो नहीं दिया जा रहा, एक राज्य सरकार के लिए कहा जा रहा है, एक राज्य को दिया जा रहा है, केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? राज्य को फंड दिया है ना, इसमें बुराई क्या है? इसमें रेवड़ी वाली बात क्या है? मैं बता रहा हूँ, गुस्सा मत होइए, मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है। अरे नहीं चावला भाई, मैं कहाँ गुस्सा हूँ। 2014 में केंद्र सरकार पर 56,00,000 करोड़ का कर्ज था। कितना? 2014 में जब आपके हाथ में सत्ता आई थी तब 56,00,000 करोड़ का कर्ज था। अब ये कर्ज बढ़कर, तो हमें विरासत में मिला था ना सर? हाँ बता रहा हूं सर, विरासत में मिला था। ये कर्ज बढ़कर 139,00,000 करोड़ हो गया और इस साल वित्त वर्ष में अनुमान लगाया जा रहा है कि जब वित्त वर्ष का अंत होगा तब ये कर्ज बढ़कर 152,00,000 करोड़ का हो जाएगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े आप ही के हैं, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, 2014 में देश कहां था और आज 2022 में देश कहां खड़ा है, जरा आप ये भी बताने का काम कीजिए, सिक्के के दोनों पहलू आप बताने का काम कीजिए देश की जनता को। 2014 में देश कहां था और 2022 में देश कहां खड़ा है? त्यागी जी अगर आप चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूं आपको, देखना चाहेंगे? जो काले धन को लेकर आपने फैसला लिया था, काले धन को लेकर सबसे पहला फैसला आप ही की सरकार में हुआ था ना, मोदी सरकार में पहली कैबिनेट में फैसला हुआ था, उस पर काफी स्तर तक राज्य हमारी केंद्र सरकार ने काम किया। स्विस बैंक का ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने है, ये आंकड़ा जानते क्या है? ये 17 जून 2022 को एक रिपोर्ट आई स्विस बैंक की, स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 50% बढ़ गया, 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। स्विस बैंक में भारतीयों ने जमा किए 30,500 करोड़, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा था। क्या ये काला धन है कि नहीं है त्यागी जी? ये स्विस बैंक में आप कह रहे हैं कहां पहुंचे हम, ये भी बताइए 2014 से अब तक। ये स्विस बैंक के आंकड़े हैं सर, ये बैंक में बिल्कुल 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 चावला भाई, मैं बताता हूं, पहले स्विस बैंक कोई भी जानकारी नहीं देता था, ये हमारी विदेश नीति का ही रहा है कि सरकार के साथ अब स्विस बैंक सारी जानकारियां साझा कर रहा है, पहले तो स्विस बैंक की कोई जानकारी ही बाहर नहीं निकलती थी। आपको धन्यवाद दूं स्विस बैंक ने? नहीं, धन्यवाद की बात नहीं, तो इसमें प्रोसेस लगातार चल रहा है ना, तभी एक लंबी प्रक्रिया है, इस पे लगातार काम चल रहा है। वाह सर, पहले 20,700 करोड़ रुपए थे और अब बताया जा रहा है कि 4,800 करोड़ पहुंच गया मामला, है ना, कितने गंभीर हम काला धन वापस लाने को लेकर। नहीं ठीक है चावला भाई, लगातार उस पर काम चल रहा है, कौन सा राजनीतिक दल इससे अछूता है? कोई लैपटॉप बांटता है, कोई स्कूटी बांटता है, कोई बिजली फ्री देता है, कोई 400 यूनिट बिजली फ्री देता है, कोई मोबाइल फ्री देता है? आप नहीं देते, आप लैपटॉप और मोबाइल फ्री नहीं देते। देखिए आपकी तमाम राज्य सरकारें, आप कहें तो मैं सबूत के साथ आपके सामने आ सकता हूं, आपकी तमाम राज्य सरकारें टैबलेट और मोबाइल फ्री देती हैं, ये योजनाएं बकायदा। रुकिए ना सर, ये देखिए, हरियाणा मुफ्त टैबलेट योजना,
ये आप लोगों की योजना है। उत्तराखंड, धामी जी दे रहे हैं मुफ्त टैबलेट 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को, बकायदा बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं आपके। उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट योजना, ये आपके राज्य सरकारों का हाल है। आप कह रहे हैं, ये देखिए ना, आप तो बोल रहे हैं कि जैसे सब कुछ जो है विपक्षी दल कर रहे हैं, सब कुछ केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो मुफ्त में बांट रहे हैं सब कुछ। ये तस्वीरें देखिए सर। चावला भाई, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों को इससे परहेज करना चाहिए, अन्यथा हिंदुस्तान जो 70% युवा आबादी का देश है, ये हमारे युवा सर्कस का शेर बनकर रह जाएंगे। सभी को इससे परहेज करना चाहिए। ओके, मतलब आप करें तो रामलीला, ये करें तो रासलीला। हम सड़कें बनाए, बिल्कुल सही कहा, बिजली पानी सड़क शिक्षा दवाई पढ़ाई कमाई, ये सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन त्यागी जी, क्या आपने ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को सड़कों का ठेका नहीं दिया कि भैया आप सड़क बना दीजिए और 50 साल तक इनसे टोल वसूलिए जनता से? ये किसकी जिम्मेदारी है त्यागी जी? जो बात बिल्कुल सही कह रहे धनोज जी, ये तो आप ही ने तय किया ना कि भैया सड़क बनाओ और 50 साल तक टोल वसूलते रहो। देखिए चावला भाई, मैं आपका बहुत अच्छा प्रशंसक हूं और मैं मानता हूं कि आपके विषय डिबेट के जो होते हैं बिल्कुल अलग हटके होते हैं, इसके लिए मैं आपकी बिल्कुल खुले दिल से प्रशंसा करता हूं। लेकिन सर, मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए, मेरे को हिंदू मुसलमान तो आता नहीं करने, है ना, मैं तो इसी पे बिजली पानी नहीं, बिल्कुल यही मेरा एजेंडा है, बेरोजगारी रोजगार यही, इसीलिए मैं इसी एजेंडे पर काम करता हूं, खुलकर बोल रहा हूं चावला भाई। इसी वजह से मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इस पर कोई चर्चा नहीं होती, मैं जानता हूँ देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्कूलों का उदाहरण है, UDISC की रिपोर्ट ये बताती है कि 2018-19 में पूरे देश में 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। 2018-19 में जहां सरकारी स्कूलों की संख्या 10,83,668 थी, वो गिरकर 2019-20 में 10,32,570 हो गई। यानी कि देश भर में 51,108 सरकारी स्कूल कम हो गए। हम किस रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूल पर ताले लग रहे हैं सरकारी स्कूल में किसके बच्चे जाते हैं? मैंने अभी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की जो ये भूता डिंडोरा पीटते हैं, उसकी पोल खोलने का काम किया है। ये पोल किसकी खोलूं, किससे पूछूं? क्यों बंद हुए 51,000 सरकारी स्कूल? किसकी जिम्मेदारी बनती है 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए? हम किस रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं? 12,00,000 करोड़ रुपया एनपीए साफ हो गया, कॉरपोरेट टैक्स आपने कम कर दिया, मैं किसको रेवड़ी कल्चर मानूं सर? जहां जहां जिस राज्य में ऐसा हुआ वहां की राज्य सरकारें पूर्णतः इसके दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। सबसे ज्यादा यूपी में सरकारी स्कूल बंद हुए, आपको मालूम है क्या हुआ सर? ऑडियो चला गया सर? त्यागी जी, ऑडियो चला गया? चलिए, नहीं पूछ रहा सर और सवाल।